शीतल और ठंडे पेय पदार्थ के रूप में जाने जाने वाली कंपनी अब रुला रही है। कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों के भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है, लेकिन मैनेजमेंट है कि चुप बैठा है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर जिस कंपनी को उन्होंने सालों दिए, उस कंपनी ने अचानक उन्हें ठेंगा क्यों दिखा दिया? अब उनके भविष्य का क्या होगा? उन्होंने जो सपने देखे थे उनका क्या होगा? महंगाई और मंदी के इस दौर में वो कहाँ भटकेंगे? उनके परिवार, उनके बच्चों के भविष्य का क्या होगा? ये सारे सवाल और गुस्सा उनके मन में है, और साथ ही अपने आने वाले कल का खतरा भी। जी हाँ, जो तस्वीर आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं वो हड़ताल और जन आक्रोश की है। अपनी मांगों को पूरा करने की जिद पर अड़े ये कर्मचारी HCCB यानी हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस लिमिटेड के हैं, जो अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। बता दें कि ये तस्वीर गाजियाबाद स्थित डासना कोका कोला प्लांट की है। कंपनी के कर्मचारी के अनुसार वो 10 साल से कंपनी में कार्यरत है। उसे PF, ESI जैसी तमाम सुविधाएं भी मिल रही थी जो कि आम कर्मचारी को मिलती है, लेकिन अचानक ही कंपनी ने उन्हें एक नोटिस थमा दिया। उन्होंने कंपनी मैनेजमेंट पर आरोप लगाते हुए कहा कि बिना किसी जानकारी के उन्हें कंपनी से जाने का नोटिस थमा दिया गया। ऐसे में उनके और उनके जैसे हजारों कर्मचारियों का भविष्य अंधकार में जाता नजर आ रहा है। वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार कोका कोला ने भारत में अपने बॉटलिंग कारोबार में फेरबदल किया है। उसने उत्तर भारत में हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस लिमिटेड के खुद के पेय पदार्थ बॉटलिंग कारोबार को कंपनी के फ्रेंचाइजी भागीदारों को स्थानांतरित करने की घोषणा की। इस तरह HCCB उत्तर भारत में बॉटलिंग कारोबार से बाहर निकल रही है। कोका कोला ने बयान में कहा कि पुनर्गठन के तहत HCCB उत्तर भारत में 4 क्षेत्रों का परिचालन कंपनी के बॉटलिंग भागीदारों को स्थानांतरित कर रही है। कंपनी ने यह भी कहा है कि वो पूर्व, पश्चिम और दक्षिण भारत में परिचालन जारी रखेगी। बयान में कहा गया कि इस कदम का मकसद भारत में अधिक मजबूत और अधिक स्थिर स्थानीय कारोबार बनाना है। फिलहाल कोका कोला के बॉटलिंग नेटवर्क में HCCB सहित कुल 14 कंपनियां शामिल हैं। देश भर में कंपनी के 55 से अधिक बॉटलिंग संयंत्र है। फिलहाल HCCB के कर्मचारियों की संख्या 8,000 है। वहीं मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार बदलावों के बारे में कंपनी ने कहा कि बदलती उपभोक्ता मांग के मद्देनज़र HCCB अब मौजूदा 5 के बजाय 7 क्षेत्रों में काम करेगी और साथ ही अपने कॉरपोरेट केंद्र संस्थानों का पुनर्गठन करेगी। कंपनी ने यह भी कहा है कि उसका कॉरपोरेट कार्यालय छोटा होगा, जबकि बिक्री और आपूर्ति श्रृंखला संगठन अधिक मजबूत किया जाएगा, जिससे कई 100 नई नौकरियां पैदा होंगी। कंपनी ने कहा है कि इससे कई मौजूदा नौकरियां बेकार हो जाएंगी। इन कर्मचारियों को नई नौकरियों के लिए आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अब इस बारे में उन्होंने और जानकारी नहीं दी क्योंकि ये प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है। कोका कोला के इस फैसले से कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल तो कंपनी में कार्य कर रहे कर्मचारियों को अपने भविष्य का खतरा सताने लगा है और उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। वहीं इस पूरे मामले पे कंपनी के मैनेजमेंट ने चुप्पी साध रखी है।